लास्ट वीडियो में हमने थ्री पॉइंट क्रॉस समझा। थ्री पॉइंट क्रॉस से एक और टाइप का क्वेश्चन सीएसआईआर में 2020 में नवंबर अटेम्प्ट में आया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने थ्री पॉइंट्स दिए थे, थ्री जीन्स दिए थे, उनके बिटवीन उन्होंने डिस्टेंस, उन जीन का सिक्वेंस सब कुछ फाइंड करके दिया था। जो हमें थ्री पॉइंट क्रॉस में फाइंड करना होता है वो सब कुछ उन्होंने फाइंड करके दिया था। ये सब उन्होंने फाइंड करके दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस जो है जीन्स के बिटवीन वो 0.4 है। अब हमें जो हमें टेबल मिलता है थ्री पॉइंट क्रॉस में कि कितना नंबर ऑफ पेरेंट है, कितना सिंगल क्रॉस ओवर है, कितना डबल क्रॉस ओवर है, वो सब फाइंड करना है। और हमें ऑप्शंस की गिवन है और हमें उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। इट मींस इसमें बिल्कुल अपोजिट कर दिया। हमें क्या करते थे, हमें सब कुछ देते थे कि कितना नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कितना सिंगल क्रॉस ओवर है, कितना पेरेंट है, कितना डबल क्रॉस ओवर है, ये सब हमें गिवन होता था। एंड इस चीज़ से हमें क्या फाइंड करना होता था, ये फाइंड करना होता था कि हमारा उनका सिक्वेंस क्या है और साथ में डिस्टेंस क्या है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती थी। इस बार उन्होंने ये सब दिया है और साथ में हमें फाइंड करने को बोला है इनका रिजल्ट, साथ में हमें फाइंड करने को बोला है कि क्या क्या प्रोजेनी थी ये बताना है, और साथ में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है जो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है हमारा 0.4। सो पहले तो हम ये समझते हैं इंटरफेरेंस होता क्या है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस मींस कोई भी हमारा क्रोमोसोम है, कोई भी हमारा क्रोमोसोम है, उसके बिटवीन हमारे क्रॉस ओवर हो रहे हैं, उसके बिटवीन हमारे क्रॉस ओवर हो रहे हैं, कोई भी हमारा क्रोमोसोम है उसके बिटवीन हमारे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है ये यूनिफॉर्म नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर जो है ये यूनिफॉर्म नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर यूनिफॉर्म नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर यूनिफॉर्म नहीं होता। एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होना चांस कम कर देता है सेकेंड पॉइंट के क्रॉस ओवर होने के। मीन्स क्रॉसिंग ओवर यूनिफॉर्म नहीं होता और इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट मीन्स कि फर्स्ट पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसको मतलब नहीं है सेकेंड से, ऐसा नहीं होता। इफ फर्स्ट पे क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो वो रिड्यूस कर देगा सेकेंड पे क्रॉस ओवर के चांसेस, वो रिड्यूस कर देगा सेकेंड पॉइंट पे क्रॉस ओवर के चांसेस। तो इट मीन्स इस बात से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि एक जगह क्रॉस ओवर हो गया तो सेकेंड जगह क्रॉस ओवर होने के चांसेस कम हो गए। इट मीन्स डबल क्रॉस ओवर होने के चांसेस रिड्यूस हो गए, क्योंकि एक डबल क्रॉस ओवर क्या होता है कि दो पॉइंट पे साथ में क्रॉस ओवर होना, और इन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंट पे क्रॉस ओवर होता है तो सेकेंड पॉइंट पे क्रॉस ओवर के चांसेस को वो रिड्यूस कर देता है। तो इट मीन्स जितना हम सोच रहे थे उतना डबल क्रॉस ओवर नहीं होता। डबल क्रॉस ओवर होता क्या है कि दो पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो जाना, दो पॉइंट पे एक्सचेंज हो जाना सेगमेंट का, क्रोमोसोमल सेगमेंट का दो पॉइंट पे एक्सचेंज हो जाना। बट यहाँ पे क्या बोला कि एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो सेकेंड पॉइंट की जो चेंज है, सेकेंड पॉइंट का जो एक्सचेंज है या बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर है, उसके चांस कम हो गए, तो डबल क्रॉस ओवर के चांस भी कम हो गए। अब आपको पता चला क्यों आते हैं डबल क्रॉस ओवर इतने कम। ओके, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस होना। इंटरफेयर कर रहा है एक पॉइंट क्रॉस ओवर दूसरे सिंगल क्रॉस ओवर को। ओके, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब आता है इंटरफेरेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉफिशेंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब ये कॉफिशेंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है, कॉफिशेंट ऑफ कोइंसिडेंस को ही फाइंड करके हम इंटरफेरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है तो हमारा कॉफिशेंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 है, बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। इफ हमारा इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, अच्छा इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है तो डबल क्रॉस ओवर ज्यादा होंगे, इंटरफेयर कोई कर ही नहीं रहा है। इंटरफेरेंस कंप्लीट है, 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इंटरफेरेंस की वैल्यू 0 से 1 लाई करती है। तो मींस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0 है और हमारे डबल क्रॉस ओवर बिल्कुल भी नहीं होंगे इस बार, क्योंकि इंटरफेयर इतना कर रहा है। और इफ 0 और 1 के बिटवीन है
तो हमारे कुछ अमाउंट में डबल क्रॉसओवर होंगे। समझ में आया यहाँ तक? अब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस हम जब ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हम कैलकुलेट करें, क्योंकि इंटरफेरेंस के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। तो देखते हैं कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का फॉर्मूला होता है कि हमने जितने नंबर ऑब्जर्व किए थे डबल क्रॉसओवर के, जितने नंबर हमने ऑब्जर्व किए थे डबल क्रॉसओवर के, डिवाइडेड बाय जितने नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल क्रॉसओवर के, जितने नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट मींस हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हुआ कि जितना हमने ऑब्जर्व किया था डबल क्रॉसओवर और जितना हमने एक्सपेक्ट किया है डबल क्रॉसओवर। ऑब्जर्व कितना किया था, जो हमें चार्ट गिवन होता है, उसमें पेरेंट भी होता है, सिंगल क्रॉसओवर भी होता है, डबल क्रॉसओवर भी होता है, तो इसमें जितना डबल क्रॉसओवर था उतना तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो हमने कैलकुलेट किया हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना डबल क्रॉसओवर आ सकता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी होती है, हमारा ऑब्जर्व कम आता है, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, पर ऑब्जर्व हमें कम देखने को मिलता है। मार्क्स की हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमें ऑब्जर्व जो देखने को मिलते हैं मार्क्स, वो कम मिलते हैं। ओके, सेम ऐसे ही हमने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया होता है, बट हमें जो ऑब्जर्व होता है वो बहुत कम होता है, रियल में डबल क्रॉसओवर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब एक पॉइंट पे क्रॉसओवर होना सेकंड पॉइंट के क्रॉसओवर को खत्म कर देगा। ओके, अब एक्सपेक्टेड कैसे फाइंड कर सकते हैं जो हमें डिस्टेंस गिवन है। एक्सपेक्टेड जो है हमारे वो हमारे इक्वल होते हैं फ्रीक्वेंसी सिंगल क्रॉसओवर की टू पॉइंट के बिटवीन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी सिंगल क्रॉसओवर की दूसरे दो पॉइंट के बिटवीन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रोजेनी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड फाइंड। क्या जैसे हमारे पास थ्री पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ए और बी के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी, बी और सी के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रोजेनी। अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं। और हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं सिंगल क्रॉसओवर की, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सिंगल क्रॉसओवर की, दूसरे सिंगल क्रॉसओवर की टोटल प्रोजेनिया में गिवन ही होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं सिंगल क्रॉसओवर की, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। जैसे हमें ए और बी के बिटवीन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ए एंड बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 100, ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 100। ओके, समझ में आ गया। तो इफ हमें एक्सपेक्टेड निकालना है तो हमें ए और बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो हमारा बी एंड सी के बिटवीन है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल प्रोजेनी कितना है। इफ हमारा सिक्वेंस है ए बी सी, तो हम ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस जो है डिवाइडेड बाय 100 और बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस जो है डिवाइडेड बाय 100 और टोटल प्रोजेनी से हम एक्सपेक्टेड निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड हमने फाइंड कर लिया है और हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हमारा इंटरफेरेंस से आ जाएगा, एक्सपेक्टेड हमारे पास है ही, हम इजिली ऑब्जर्व फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कितना है हमारा, डिस्टेंस क्या है फर्स्ट पॉइंट की सेकेंड पॉइंट की, डिस्टेंस क्या है 20 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या है सेकेंड पॉइंट की एंड थर्ड पॉइंट की, क्योंकि सिंगल क्रॉसओवर फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन होगा और सेकेंड और थर्ड के बिटवीन होगा, तो फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई सेकेंड और थर्ड के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल प्रोजेनी, और टोटल प्रोजेनी क्या है 1800, टोटल प्रोजेनी है हमारी 1800 और हमारा एक्सपेक्टेड कितना आता है 43.2। इफ आप इसको सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट हुआ देन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेड आता है 43.2। इंटरफेरेंस हमारा क्या है, इंटरफेरेंस है 0.4, सो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होगा 1 - 0.4 दैट इज 0.6। अब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस हमारे पास आ चुका है, ऑब्जर्व्ड हमें निकालना है, एक्सपेक्टेड 43.2 है तो ऑब्जर्व कितना हुआ हमारा 43.2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस दैट इज 0.6, तो हमारा आंसर आता है कुछ 25.9। इफ हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 25.9 मींस 26, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड है डबल क्रॉसओवर का वो है 26, ऑब्जर्व्ड कितना है 26, हमारे पास 26 ऑब्जर्व्ड है। इफ हम चारों ऑप्शंस देखें तो हमारा डबल क्रॉसओवर कितना है 26, ए करेक्ट हो सकता है, बी देखें डबल क्रॉसओवर 43 है ऑब्जर्व्ड नहीं, सी देखे तो डबल क्रॉसओवर है 26, यस ये भी करेक्ट हो सकता है, डी देखे तो डबल क्रॉसओवर 43 गलत। हमारे पास दो करेक्ट आए हैं ए और सी, अब हमें ए और सी में से भी फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट कैसे करेंगे, ए और सी की प्रोजेनी को इफ हम प्लस करें ऐड करें 1196 प्लस 576 प्लस 26 तो हमारा क्या आता है, हमारा आएगा अराउंड 1798 और हमारी टोटल प्रोजेनी कितनी है, टोटल प्रोजेनी है हमारी 1800, टोटल प्रोजेनी है हमारी 1800 और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1798, टू कम आ रहा है और ये पॉसिबल नहीं है, टोटल प्रोजेनी तो हमारे पास 1800 है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाता है, हम यदि इसको प्लस करें इसकी सारी प्रोजेनी को प्लस करें 1250 प्लस 334 प्लस 190 प्लस 26 तो इफ इनको प्लस करें तो हमारा आता है 1800, इनका टोटल प्रोजेनी भी करेक्ट है डबल क्रॉसओवर भी करेक्ट है, हमारा ए का आंसर करेक्ट है, ए हमारा करेक्ट है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इफ हमें इंटरफेरेंस गिवन है या कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस गिवन है तो हम एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास इंटरफेरेंस आ गया है तो ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, इफ हमें टेबल गिवन है तो हमें ऑब्जर्व गिवन है, टेबल गिवन है तो ऑब्जर्व गिवन है, हमें एक्सपेक्टेड फाइंड करने को बोला जाएगा। इफ हमें जीन का सिक्वेंस एंड डिस्टेंस गिवन है तो मीन्स हमें एक्सपेक्टेड फाइंड करके ऑब्जर्व फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन आते हैं CSIR में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी फंडा है, आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको फुल समझ में आ जाएगा। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।